स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल गैजेट इंडिया में। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं माउनो AU A03 का फुल ऑन रिव्यू। मेरे को इसको यूज़ करते करते हो गए तकरीबन 5 मंथ्स और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाया इसके साथ में। मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, पिछले कुछ 5-10 वीडियोस उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है इसको। 30 वीडियोस अराउंड बनाया मैं और अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ हमारे JBL CLM20B से। ये एक लेपल माइक है, इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी आई कार्ड में आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली इसका ये रिव्यू है, अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या आपको परचेज करना चाहिए YouTube कैस से, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता। अंडर 2000 रुपीज़ आपको ये माइक्रोफोन किट देखने को मिलता, जी हाँ किट देखने को मिलता, यानी कि आपको बूम आर्म वगैरह सब देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये कुछ मेन चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है हमारी किट के अंदर, लाइक ये है इसका बूम आर्म, ये है इसका शॉक अब्जॉर्वर और ये पॉप फिल्टर, और इसके साथ एक फिल्टर भी आता है नॉर्मल जो नेट फिल्टर रहता है, वो अभी मेरे डेस्क के नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं उसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली उतना मेरे को यूज़फुल दिखता नहीं वो, इसलिए यूज़ नहीं करता। और ये है हमारा मेन कॉम्पोनेंट, हमारा माइक कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अभी हम लोग इसको साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे माइक के ऊपर। तो माइक टोटली बिल्ड करा गया है मेटल के ऊपर, मेटल बॉडी है, सुन सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ग्रिल है कुछ इस तरह की, ग्रिल देख सकते हैं आप, ग्रिल भी पूरी मेटल की है, आप साउंड से पता लगा ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मेटल का यूज़ किया गया है। ये है इसका पोर्ट जिससे आप इसका वायर लगा सकते हैं और डायरेक्टली वायर को DSLR या आपके PC में कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के वास्ते। अपनी जो PC में आप सेपरेटली Audacity सॉफ्टवेयर या कोई भी नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर से आप इसको चला सकते। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है ये माइक जब आप इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से ओपन होके ये सेल बाहर आ जाता है कुछ इस तरीके से। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो ये बेसिकली पॉडकास्ट वगैरह के वास्ते काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है उसमें, यानी कि ये ऐसा कुछ होल्ड करा हुआ रहता है उसकी वजह से इसका कुछ जो है कुछ इशू नहीं होता स्टेबिलिटी का। और ये कुछ इस तरीके से ये शॉक अब्जॉर्बर में ऐसे से फिट हो जाता है और ये हमारे बूम आर्म पे लगकर हम लोग इससे कुछ इस तरीके की बात कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको सेट करके बताता हूँ किस तरीके का ये पूरा किट लगता है फिट होने के बाद। तो अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं ये है हमारे JBL CSLM20B की, ये एक लेपल माइक है JBL ब्रांड की तरफ से। तो अभी हम लोग ये आवाज़ को डायरेक्टली स्विच करेंगे हमारे माउनो के ये वाले माइक से। अभी आपको कैमरा में दिख रहा होगा ये वाला माइक, इसको मैं सेट कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, स्टैंड पे भी लगा लिया, सब कर लिया। तो अभी हम लोग डायरेक्टली इसका जो पिन है हमारे DSLR में लगाते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके की क्वालिटी आती है। तो मैं अभी डायरेक्टली हमारे माउनो AU A03 कनेक्ट कर लिया मेरे DSLR के अंदर Canon 200D Mark II। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद। और उम्मीद है आप लोगों को सही से आवाज़ आ रही होंगी बगैर नॉइज़ के, क्योंकि डिस्टर्बेंस और नॉइज़ के, क्योंकि यहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर भी लगा हुआ है। उम्मीद है अभी मैं बताता हूँ किस तरीके की आपको जो आवाज़ है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरीके का दिख रहा हो मेरा माइक, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है मेरे टेबल में। तो अभी आप देख लिए कुछ इस तरीके से जुगाड़ था ये मेरा। तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, फ़ैन बिल्कुल 2 या 3 की स्पीड पे चल रहा है, गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं जा रही, कुछ इस तरीके की नॉइज़ कैंसलेशन है विदाउट ऑडियो फिल्ट्रेशन। तो कुछ भी नहीं करा, मैं डायरेक्ट रॉ ऑडियो उठाया और वीडियो में डाल दिया। तो अभी हम लोग दिखाते हैं इसका कंक्लूजन, क्या आपको परचेस करना चाहिए क्या नहीं, और क्या प्रोस क्या कॉन्स इसमें। तो बेसिकली अभी हम लोग वीडियो कंटिन्यू करेंगे हमारे माउनो के माइक के साथ ही, हमारे JBL माइक के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को और अंदाज़ा हो जाता क्वालिटी का, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कैसी। अभी फ़ैन की 1 पॉइंट बढ़ाया स्पीड, 3 पे चल रहा फ़ैन और बाजुक से कार वगैरह अभी जा रही और बच्चों की भी आवाज़ आ रही, तो वो हिसाब से आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। तो इसमें आपको प्रोस ये देखने को मिल जाते हैं कि सबसे पहली चीज़ कॉर्न निकालने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये पूरा सेट आपको बूम आर्म स्टैंड शॉक अब्जॉर्वर फिल्टर पॉप फिल्टर हर चीज़ आपको अंडर 2000 रुपीज़ एक किट बन के आ जा रहा है माउनो जैसे अच्छे ब्रांड की तरफ से। तो एक बार सोचना पड़ता है हमारे को भी कॉर्न निकालने से पहले, क्योंकि विद इन द रेंज ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे, एक कंडेंसर माइक्रोफोन ट्रू कंडेंसर माइक्रोफोन आपको प्रोवाइड कर रहे, तो ये दिमाग में रखते हैं हमको कॉन्स को देखना पड़ता। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ये दिखी कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो तो सबसे अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा मेटल है, बेसिकली कंडेंसर माइक में मेटल ही रहता, बट यहाँ पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे बोल सकता मैं। और ऑडियो की जो रिकॉर्ड करता वो भी काफ़ी अच्छी है, एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन नहीं है, आपको एक ही तरफ से जो आवाज़ है वो कैच होती, जो इसकी
जो इसकी जो ब्रांडिंग है वो साइड से ये रिकॉर्ड करता, तो ये साइड मेरे फेस की तरफ मैं इसको पॉइंट करा, जिसकी वजह से यहाँ से ये जो आवाज़ है ले रहा। तो यहाँ पे आप इसका जो डिस्टर्बेंस है वो भी देख सकते हैं, ये मूव तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा बट देखेंगे कितना डिस्टर्बेंस आता है क्लिप कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट मैं यही बोलना चाहूँगा जब आपको इतनी सारी चीज़ें अब विद इन द प्राइस रेंज आपको देखने को मिल जाती है, आप छोटे यूट्यूबर हैं तो आपके वास्ते ये सबसे अच्छी चीज़ होंगी, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इसकी पोर्टेबिलिटी काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लेके फिरना पड़ेगा। इसका जो केबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आई जस्ट शो यू, ये रबर कोटिंग वाला जो है वो है केबल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हो रहा माइक खेल रहा है मेरा बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का केबल है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से ऑक्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के लिए बेस्ट है, मोबाइल में 40 वॉट्स का आउटपुट होना पड़ता है अगर आपको ये माइक चलाना है, जो कि मोबाइल नहीं दे सकता, तो मोबाइल कंपनी क्लेम करती है बट मोबाइल पर सही से चलता नहीं, तो अगर आप मोबाइल के लिए ले तो वेस्ट है ये चीज़। और मैं बहुत कम वॉइस में बात कर रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है, वो हिसाब से आप सुन सकते हैं कितनी क्वालिटी ये ले रहा, कितनी आवाज़ को ले रहा, कितना बूम अप कर रहा, कितना नॉइस फिल्ट्रेशन है, कितना ट्रेबल जा रहा, सब देख सकते हैं आप क्या हिसाब से ये ऑडियो चल रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल गैजेट इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बता दीजिए कैसी थी वीडियो, और हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखना ज़रूर से मत भूलना क्योंकि हमने बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स की है लाइक ईयरफोन वगैरह, और हमारे DSLR की भी की है, तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आएंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, न्यू वीडियो कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड।